पोल्ट्री इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार से सोया डीओसी की इंपोर्ट समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, जिसके बाद सोयाबीन की कीमतें लगातार लुढ़कती नजर आ रही हैं। पहले वायदा बाजारों में और अब हाजिर बाजारों में भी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड पर सोपा यानी सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध भी जताया है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की इंपोर्ट बढ़ाने की मांग का असर इसकी कीमतों पर देखने को मिल रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की मार्च 2022 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग है। आपको बता दें कि पिछले सीजन 12 लाख टन सोया डीओसी इंपोर्ट की अनुमति मिली थी। पोल्ट्री एसोसिएशन ने सरकार को चिट्ठी लिख सोया डीओसी इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। पोल्ट्री के अनुसार भाव पर काबू के लिए इंपोर्ट समय सीमा बढ़ाना जरूरी है। सट्टेबाजी जमाखोरी पर लगाम के लिए ये कदम जरूरी है। इससे पहले जब सरकार ने सोया खली का इंपोर्ट किया था, सोयाबीन किसानों को भारी बारिश से हुए नुकसान के साथ साथ इंपोर्ट से आई गिरावट की दोहरी मार भी सहनी पड़ी थी। वही स्थिति अब वर्तमान में एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। पोल्ट्री फिर से सरकार से सोया खली के आयात की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो सोयाबीन किसानों ने जो सोयाबीन स्टॉक करके तेजी लाई है, उस पर पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी सोयाबीन की कीमतों पर दबाव बना है। नए वेरिएंट से सोयाबीन का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। चीन से भारतीय सोयाबीन की मांग कम हुई है और हाल ही में सोयाबीन वायदा पर 5% के एडिशनल मार्जिन से भी इसकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।